हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो अगर आप रियलमी का कोई भी बजट डिवाइस यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको पता हो कि बजट डिवाइस में प्रोसेसर लो होता है या फिर रैम भी काफ़ी डिवाइसेस में लो होता है। लेकिन भाई उस डिवाइसेस के अंदर जो है आपको लैग जरूर से देखने को मिलता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो अपने घर में, मतलब कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, कुछ सोल्यूशन बताऊंगा जो कि आपका प्रॉब्लम ठीक कर देगा। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। तो यहाँ पर गए, सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन है उसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है जेस्चर सर्च करना है। देखो यहाँ पर आप सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है जेस्चर जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। जेस्चर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे आपको, जिसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। जेस्चर वाले फीचर्स तो काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर Realme के सभी डिवाइसेस के अंदर जेस्चर वाले फीचर्स है। इवन जो है हर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जेस्चर वाला फीचर मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जितने भी जेस्चर वाले फीचर्स है सभी को इसके अंदर बंद कर देना है। सेकंड जो हमारा ट्रिक है गाइस, वो है स्मार्ट कंट्रोल्स। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर होता है कि यहाँ पर ये जो है आपका सेंसर और आपका जेस्चर यूज करता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो आपको सेंसर है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंड सेंसर इस्तेमाल होने के वजह से आपके प्रोसेसर के अंदर जो लोड पड़ता है, लोड होने के जो है वजह से आपका मोबाइल लैग होता है। और देखो मेरा जो मोबाइल है वो गाइस 2 GB रैम का डिवाइस है, लेकिन ये जो है उतना ज़्यादा लैग नहीं होता है। करंटली ऐप्स अगर आप देखोगे मेरे मोबाइल के अंदर तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐप्स मिलेंगे देखने को। तो सबसे पहले जो आप इन तरीकों को फॉलो करो, दो तरीकों का फॉलो करो, सेंसर जो है बंद कर दो एंड जेस्चर वाला का फीचर जो आपने यूज़ करते हो आप सभी को बंद कर दो, ताकि ऊपर प्रोसेसर पर आपके कम लोड पड़े। बाकी दूसरा जो तरीका गाइस वो है क्लीन कैशी का। तो वो कैशी जो है डेटा काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोर हो जाता है आपके किसी भी ऐप के अंदर, जो ऐप आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो उस ऐप के अंदर जो आपका कैशी डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है। यूट्यूब, क्रोम या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो आपका कैशी डेटा वो स्टोर हो जाता है। तो आपको टाइम टू टाइम जो इसको क्लीन करना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जितने भी कैशी डेटा है सभी को जो आप लोग टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना। इससे आपका स्टोरेज भी फ्री होगा और आपके किसी भी ऐप के अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर ना होगा, और उससे उसके वजह से जो आपका मोबाइल भी थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो बस यही जो है ट्रिक को फॉलो करो, इन चीज़ों को फॉलो करो, डेफिनेटली गाइस ये जो ट्रिक्स है आपके मोबाइल के अंदर काम करेंगे आपका अगर बजट डिवाइस है। और अगर आपको कोई हाई एंड डिवाइस वो भी लैग हो रहा है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, इससे आपका काम कर जाएगा। एंड अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लैग होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आपने फ़ोन को जो है एक बार रीसेट कर देना। रीसेट करने के बाद फुल्ली क्लीन हो जाता है डिवाइस, उसके बाद जो है डिवाइस बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। और आप जो है ज़्यादा अपने स्टोरेज को फुल मत करना, ताकि आपका मोबाइल प्रॉपरली चलता रहे, क्योंकि बजट डिवाइस के अंदर लैग होता है भाई। थोड़ा बहुत आपको लैग देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी लैग हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यही था गाइस ट्रिक, आप फॉलो करो इन चीज़ों को, आपको जरूर से काम कर जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।